बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोज़ किचन। आज हमने व्हाइट सॉस बनाया है, आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें प्लेन फ्लावर 3 टेबलस्पून, हाफ कप क्रीम, 3 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 कप वाटर, 1 कप मिल्क, सीजनिंग के लिए चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना मिले तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर टू टेस्ट, ऑरिगानो 1/4 टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन में हम बटर और ऑयल ऐड करेंगे। बटर को मेल्ट होने देते हैं। ये बटर मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें फ्लावर ऐड करके थोड़ा सा फ्लावर को भून लेंगे। इससे यह है कि फ्लावर का जो कच्चापन है, जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसको 3 से 4 मिनट हम भूनेंगे। अब हम इसमें चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट ऐड करके मिक्स करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी डालेंगे और दूध डालेंगे। तो मिक्स करते रहेंगे और लम्स तोड़ते रहेंगे। मुस्तकिल मिक्स करना है ताकि लम्स भी टूटते रहें और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाए। बहुत थिक नहीं रखना है हमें। इसको मुस्तकिल चमचा चला रही थी मैं, देखें ये अब थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, सॉस की फॉर्म में ही रखना है। सीजनिंग आप एडजस्ट कर लें चख के, अगर आपको लगता है कि कुछ सॉल्ट वगैरह ऐड करना है तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्रीम को। ये देखें कैसे सॉस की फॉर्म में आ गया है। बस ये इतना ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम इसमें सबसे आखिर में ओरिगानो थोड़ा सा ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। ये इटालियन वाइट सॉस रेडी है। बस अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं करना है। ज़्यादा थिक हो जाए थोड़ा पानी ऐड कर दें या मिल्क ऐड कर दें। बस अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। ये वाइट सॉस आप लज़ानिया में, पास्ता में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत काम आता है, स्टेक पे भी यूज़ किया जाता है। और इसे ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।